नमस्कार, टीम परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे परिस्थितियां थोड़ी थोड़ी सामान्य होती जा रही हैं, वैसे ही आयोग जो है वो एग्ज़ाम मोड में आता जा रहा है। चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, अधीनस्थ हो या फिर अन्य कोई संस्था, सभी जो हैं वो एग्ज़ाम मोड में आ चुके हैं। एग्ज़ाम को लेकर आप लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, जैसे कि अभी ASI की वैकेंसी आई हुई है, इसके अलावा TET है या PET को लेकर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं। तो हमारी टीम द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक FAQ की श्रृंखला जो है वो आपके बीच में लाई जाए। इस FAQ की श्रृंखला में हम करेंगे क्या कि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको हमारी टीम द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद FAQ सीरीज़ के माध्यम से उनका समाधान आपके सामने लाया जाएगा। तो आज की इस FAQ की श्रृंखला में आइए हम सबसे पहले बात करते हैं PET एग्ज़ाम के बारे में। PET एग्ज़ाम को लेकर आप लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या PET के लिए OTR करना आवश्यक है। तो देखिए, इस बार जो है वो PET में OTR की अनिवार्यता जो है वो नहीं रखी गई है। उसका रीज़न ये है कि अभी तक जो OTR के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उसमें 5.5 लाख से 6 लाख के करीब लोग आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी महज 1.25 लाख से 1.5 लाख लोगों का ही वेरिफिकेशन जो है वो आयोग द्वारा किया गया है। यानी अभी जो है PET के का जो रजिस्ट्रेशन है OTR के थ्रू लेने की प्रक्रिया में आयोग ही अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, इसीलिए जो आपका आवेदन है वो डायरेक्टली मांगा गया है। यानी इस बार अभी फ़िलहाल के लिए आपको डायरेक्ट PET का फॉर्म भरना है और आप डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो आगे नेक्स्ट जो आपका PET आएगा उसमें OTR जो है वो मांगा जाएगा। इसलिए एक बार आप लोग PET का फॉर्म भरने के बाद OTR का आवेदन भी ज़रूर कर दें। इसके अलावा आई थिंक आपको ये पॉइंट जो है वो आज का हमारा समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और कि अगर इसी तरीके से आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी कोर्स में जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं उनमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं वहां आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारी टीम द्वारा उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच।